अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? नवीद अख्तर। नवीद भाई, आपका कोई मसला है? बोले हाँ है। जी जी बिल्कुल है। क्या है? मोटापा जो कि पाकिस्तान के अक्सर मर्दों का है। मोटापा एक मसला है, मोटापा एक मसला है जी, और ये सभी का मसला है, मर्दों के अलावा भी मसला फैल चुका है। जी जी। ये बताइए कि करते क्या हैं आप? मैं प्रोफेसर हूँ। क्या पढ़ाते हैं? इल्मुल हवानियात। हैवानों के इल्म? जी जी। वाह बहुत अच्छा। यानी कि बॉटनी पढ़ाते हैं? जूलॉजी। ओ सॉरी, जूलॉजी पढ़ाते हैं। तो जूलॉजी पढ़ाते हैं तो आज तो सब्जेक्ट मैटर बैठे जी। मेरा आप दोनों से सवाल है, आप दोनों बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, तो कभी भाभी की डांट से कॉमेडियन कंटेंट एक्सट्रैक्ट किया हो? भाभी डांट रही हो तो आपको लगा हो कि नहीं यहाँ से मैं कोई कॉमेडी कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? कॉमेडी कंटेंट हर चीज़ से एक्सट्रैक्ट होता है, और भाभी की डांट कोई एक चीज़ नहीं है कि जिससे एक्सट्रैक्ट हो। डांट पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है, जो कहता है नहीं पड़ती वो झूठ बोलता है। लेकिन आमिश भाई कहते हैं कि मुझे नहीं पड़ती। नहीं नहीं, मैं कुछ मुझे मौका दोगे तो मैं कहूँगा। अब डांट पड़ती है तो लाइक एवरीथिंग एल्स उसके अंदर भी कॉमेडी है, और वो उसमें से भी निकलती है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल निकलती है। जी ताबिश भाई आपका क्या ख्याल है? मैं अपनी बेगम की डांट को सीरियसली लेता हूँ, मैं नहीं हर चीज़ में कॉमेडी करता। तो देख रही होती शो, कोई तमीज होती है। आपको कभी ऐसा हुआ, आपकी हुई हुई है शादी कर रखी है? बिल्कुल शादी हुई है। तो आपको कभी डांट पिटी सर? जी ये एक कॉमन प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, डांट के बगैर शादी नामुकम्मल है। तो सर आप उनको कहें ना कि वो मोटापे पे भी आपको डांटा करेंगे सुबह शाम। देखिए उसी तरीके से कम होगा। रोज डांट पड़ती है लेकिन असर नहीं होता। हाँ ये तो है, ये तो है। अच्छा कभी ऐसा तो नहीं हुआ डांट सिर्फ वर्बल पड़ी है या कभी ऐसा हुआ है कभी? आज लगता है कि लेट घर जाऊंगा तो आपकी ये बात सुन के वर्बल जो है वो एक्शन में तब्दील हो सकता है। आप लेट क्यों जाओगे? अभी तो बहुत को टाइम ही नहीं हुआ, खत्म हो जाएगा। देखिए जाते जाते 3 घंटे लग जाने हैं। सर आप कसूर से आए? जंग से? जी कसूर से। अच्छा कसूर से आए। कसूर से आप यहाँ क्यों आए? आपके लिए। आपको कसूर के करीब में कुछ नहीं मिला? सर आप जैसी शख्सियत नहीं मिली। लव यू सर। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? इरम। इरम क्या करती हैं आप? मैं कॉमर्स की स्टूडेंट। कांग्रेस की? कॉमर्स। कॉमर्स की स्टूडेंट? जी कॉमर्स की स्टूडेंट। कुछ मसला है आपके साथ? जी बहुत बड़ा है। क्या है? तभी सर मेरा आपसे सवाल है कि आप पहले भी सोशल मीडिया पर छाए हुए थे लेकिन पहले आप इतने गोरे नहीं थे, अब ऐसा क्या हुआ है? सच्ची बहुत सही बात की आपने। पहले मैं अपने आप को जब देखता हूँ तो मैं फिर बंद कर देता हूँ, लेकिन वो था ये कि सारा इसका गेम है, ये लाइट्स का गेम है। उस वक्त जहाँ सोशल मीडिया पे करते थे, छोटी जगह थी, छोटी लाइट, कम खर्चा, सिर्फ सारा खर्चा मुझ पर हुआ हुआ था, तो वो इसलिए लगता था कि मैंने कुछ नहीं लगवाया, लाइक ऐसा इंजेक्शन कोई ऐसा खास मेकअप ऐसा नहीं है, कहीं हाथ फेर के निकल ही ना है। लेकिन ये वो लाइट्स का कमाल है। इरम आप भी साइड से आएंगी ना तो और आपको लगेगा कि आप चार शेड्स और गोरी हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले ही गोरे हैं। हम भी पहले से गोरे हैं, हम भी गोरे ही आए थे। अब कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा तो कोई इसमें कुछ वो है नहीं हाथ तो, और मैं जैसा भी हूँ, मुझे रंग मंग से फर्क क्या पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है रंग से बताओ? नहीं आपको पड़ा है ना? क्या पड़ा है? आप पहले इतने नहीं थे गोरे, अब हैं। इसमें फर्क ये देखो मेरे, ये मेरी तस्वीर है आज से 10 साल पहले की, 12 साल पहले की, लिंक्डइन पे यही लगी। इसमें देखो साफ आ रहा हूँ मैं, बिल्कुल लग रहा है ऐसा। इसमें बस थोड़ा सा काम हुआ है तस्वीर पे, लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ता। इरम रंग से क्या फर्क पड़ता है बताओ? और किसी के रंग गोरा होने और काला होने में खुद का तो हाथ होता नहीं है। नहीं आपका लग रहा है तो अच्छा। हाँ भाई मैं था। मैंने इंजेक्शन लगाए हुए, मैंने जो लगाए हुए। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना।